हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ पावरफुल टूल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। इट ट्रांसफॉर्म्स एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू एल्जेब्रिक इक्वेशन। फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल टी टू अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म हैज मेनी एप्लीकेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म एनालिटिक प्रॉब्लम्स टू एल्जेब्रिक। सो यहाँ पर रियल वेरिएबल टी को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस में कन्वर्ट करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। The concept of Laplace transform are applied in the area of science and technology such as electric circuit analysis, communication engineering, control engineering, and nuclear physics, etc. Definition of Laplace transform. So, definition of Laplace transform kya hoti hai? Now, given a function ft, t is greater than or equal to 0. Its Laplace transform Fs is equal to Laplace of Ft। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई फंक्शन हमारा Ft है, t वेरिएबल का फंक्शन है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और t कैसा है हमारा, कंडीशन क्या है t की, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म Fs, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Fs, क्योंकि टी वेरिएबल एस वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी। फंक्शन एफ टी का लाप्लास क्या होगा, एफ एस। इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंफिनिटी लिमिट, लिमिट क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट, e raised to the power minus st ft dt। clear, this is equal to, इसी इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट a tends to infinite इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू a e raised to the power minus st ft dt। यहां पर जो e raised to the power minus st है, इसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वी से द ट्रांसफॉर्म कन्वर्स इफ द लिमिट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, एंड डाइवर्स इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये डाइवर्जेंस होगा। Where L denote the Laplace transform operator, इस L को हम क्या बोलते हैं, Laplace transform operator, and S is the parameter which is normally complex, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। फिर नेक्स्ट रहता है टेबल ऑफ Laplace transform। अब Laplace transform में टेबल जो होती है वो क्या है, ये टेबल आपको लर्न नहीं चाहिए ताकि आप अपने क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ एफ टी हमारा क्या है, वन। यदि हमारा फंक्शन वन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन बाई एस, एस क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यदि हमारा फंक्शन टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन एस स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन जीरो। यदि हमारा लाप्लास फंक्शन, सॉरी फंक्शन टी टू द पावर एन है, एन हमारा वन टू थ्री फोर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, दैट मीन्स टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी टू द पावर फोर, टी टू द पावर फाइव, कुछ भी हो सकता है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर, एक पावर बढ़ जाएगी, एन प्लस वन, एस इज ग्रेटर देन जीरो। यदि फंक्शन हमारा ई रेस टू द पावर ए टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेस टू द पावर ए टी, तो
लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या बनेगा, वन अपॉन एस माइनस ए, एस इज ग्रेटर देन सी। यदि हमारा फंक्शन साइन ए टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, क्या होगा साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो ये हमने टेबल के फॉर्म में बना दिया। अभी हम इन सभी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो एग्जांपल नंबर वन इज फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू वन, वन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। So we know that Laplace of f t is equal to integral of limit 0 to infinity e raised to the power minus st f t dt. This is the formula of Laplace transform. Yeah. अब यहाँ पर हमारा जो function f t है वो कितना है 1. So this is function of f small f. This is f. एफ टी, अब एफ टी हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना है, एफ टी हमारा वन है, तो हम यहाँ एफ टी की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे। सो लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू वन डी टी। दैट मीन्स केवल ई रेस टू द पावर माइनस एस टी बचेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसमें हमने लिमिट लगा दी जीरो टू इनफाइनाइट, तो जब हमने इसमें इनफाइनाइट लिमिट माइनस का वन बाई एस कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, लिमिट हमने लगाई इनफाइनाइट तो ई रेस टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू दी पावर जीरो, ये क्या बनेगा माइनस वन बाई एस ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट एन जीरो माइनस ई रेस टू द पावर जीरो एन वन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, वन बाई एस वन से मल्टीप्लाई होगा एन वन बाई एस, हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई एस। क्लियर? ओके, सो लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस, यही हमने टेबल में देखा था, सॉल्व भी कर लिया इसको। सेकेंड एग्जाम्पल है फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट ए टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ लिमिट जीरो टू ए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और एफ टी की वैल्यू क्या है ई रेस टू द पावर ए टी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया फंक्शन एफ टी की वैल्यू ई रेस टू द पावर ए टी रख दी। आप लिमिट फॉर्म लगा के सॉल्व करो या नॉर्मली जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करो, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट ए टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ लिमिट जीरो टू ए ई, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर माइनस कॉमन ले लिया एस माइनस ए इंटू टी। ओके, सो लिमिट ए टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने करा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसमें होगा माइनस का वन अपॉन एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, और लिमिट हमारी किस पे लगेगी ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी, क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स होता है, और ई रेस टू द पावर ए इंटू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ई होता है, तो वन अपॉन कोफिशिएंट हमने यहाँ लिख लिया एस माइनस ए माइनस साइन ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी जीरो से ए लिमिट। अब इसमें लिमिट जब हम रखेंगे तो पहले हम ए अपर लिमिट ए रखेंगे,
तो ये हो जाएगा ई एस टू बार माइनस एस माइनस ए इनफाइन। यदि आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हो जीरो टू इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट लिमिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट लिमिट लगेगी जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और ई रेस टू दी पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, ई माइनस वन। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने इसमें लिमिट रखी इनफाइनाइट, तो ई रेस टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट ये टर्म जीरो हो जाएगी और सेकेंड ई रेस टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा, जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन एस माइनस ए, वेयर एस इज ग्रेटर देन ए। कंडीशन क्या है, एस की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। ओके, सो यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या देखा था हमने टेबल में, वन अपॉन एस माइनस ए, जो उसका कॉफिशियंट है टी का वो यहाँ एस माइनस ए इस तरीके से आ जाएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज एफ टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर एन। अब हम टी टू दी पावर एन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब टी टू दी पावर एन के लिए आपके समझ में आ गया है, तो दैट मीन्स एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, किसी भी पावर के लिए आप उसका लाप्लास लिख सकते हैं। फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इंटीजर है, सबसे पहले एफ एस इज द लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी, right, this is the Laplace of function ft. Okay, this is equal to limit a tends to infinite integral of limit 0 to a e raised to the power minus st. हमें ft की जगह क्या वैल्यू रखनी है, t to the power n, क्योंकि अब हमारा ft t to the power n है, तो हमने डेफिनेशन में फंक्शन एफ टी की जगह टी टू की पावर एन लिख दिया इनटू डी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वन, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, इसको हमने इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, e raised to the power minus st upon minus s limit 0 से a, फिर minus sign integral limit 0 to a, differentiate of first function n t to the power n minus 1, integration of second function e raised to the power minus st upon minus s, clear? a formula है हमारा first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्लियर, अब इसमें हमें a टेंस टू इनफाइनाइट रखना है, a tends to infinite रखेंगे हम लिमिट, पहले तो ये लिमिट लगाओ, तो ये लिमिट हम इसमें लगाएंगे तो e raised to the power minus a क्या बनेगा, e raised to the power minus s a minus e raised to the power c, और minus 1 by s को बाहर ही लिखा रहने दो, e to the power n upon s माइनस, लेकिन जब इसमें हमने a टेंस टू इनफाइनाइट लगाया लिमिट, तो ये क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास e की पावर जीरो वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, t टू दी पावर n, t की जगह लिख रहे हैं तो ये a की पावर n भी हो जाएगा, लिमिट हमारी t की जगह लिखी जा रही है, तो a tends to infinite यहाँ पर भी हो रहा है और ये infinite जीरो बन रहा है। अब जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर जीरो ही देगा, तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो कम्प्लीटली जीरो। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस साइन हो गया, n कांस्टेंट s ये बाहर आ गया n by s, लिमिट a tends to infinite इंटीग्रल लिमिट
and limit of integral is 0 to a, e raised to the power minus st, t to the power n minus 1, dt. Okay? अभी हमें इसको सॉल्व करना है, n by s हमारे पास बाहर आ गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाप्लास ऑफ t to the power n minus 1, बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन f t की जगह आ रहा है, t to the power n minus 1, क्लियर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, ओके, सो वी गेट अ रेकरेंसिव रिलेशन, ये एक रेकरेंसिव रिलेशन है, मतलब यही प्रोसीजर हम फिर से फॉलो करेंगे t की पावर n माइनस 1 के लिए. तो आप देखिए t टू द लाप्लास ऑफ t टू द पावर n हमारे पास आया है n by s लाप्लास ऑफ t टू द पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n, व्हिच मींस लाप्लास ऑफ t टू द पावर n माइनस 1, अब n माइनस 1 पावर है तो ये क्या बनेगा, n माइनस 1 अपॉन s लाप्लास ऑफ t टू द पावर n माइनस 2. रेकरेंसिव रिलेशन से लिख रहे हैं अपन. नेक्स्ट लाप्लास ऑफ t टू द पावर n माइनस 2 क्या बनेगा, n माइनस 2 अपॉन s लाप्लास ऑफ t टू द पावर n माइनस 1, और ये इस तरीके से चलता रहेगा तब तक कि t टू द पावर 0 नहीं आ जाता. ओके, सो बाय इंडक्शन वी गेट t to the Laplace of t to the power n is equal to n by s Laplace of t to the power n minus 1 is equal to n by s into n minus 1 by s Laplace of t to the power n minus 2. Okay. Phir n by s n minus 1 by s n minus 2 by s Laplace of t to the power n minus 3. Continue करें इसको. तो लास्ट में हमारे पास वन लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू 1 बाई एस लाप्लास ऑफ 1 बची. ओके, तो ये हमारे पास कितना लाप्लास ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 बाई एस, ये लाप्लास ऑफ 1 की ही वैल्यू 1 बाई एस लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा. और इससे पहले तक हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास कितना बना, एन n minus 1, n minus 2 up to 3 into 2 into 1. इससे पहले वाला 2 upon होगा. उससे पहले 3 होगा, उससे पहले 4 होगा, उससे पहले 5 होगा. तो that means ये क्या बन रहा है हमारा, product of n natural number. और product of n natural number क्या होता है, factorial n. s कितने time आ रहा है, एस हमारे पास एन टाइम आ रहा है. ओके, सो ये लाप्लास ऑफ, ये सही, सॉरी सही है यहाँ पर, और लाप्लास ऑफ वन कितना होगा, लाप्लास ऑफ वन वन बाई एस होगा, तो वो भी लास्ट में हमारे पास लिखा जाएगा वन बाई एस. ये तो टोटल एन टर्म्स के लिए है, वन बाई एस ये एन टर्म पर जाएगा, और ये टोटल हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू की पावर एन बनेगा, एंड द लास्ट जो हमारे पास टी टू की पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा, उसका लाप्लास ऑफ वन वन बाई एस आएगा एक्स्ट्रा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू की पावर एन प्लस वन ये बनाएगा. ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन सी, एस क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन सी. क्लियर, तो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n कितना आया, फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. अब देखो बीटा गामा फंक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फैक्टोरियल n को यदि हम गामा में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1. तो सेम टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. ओके, सो हम ये भी लिख सकते हैं. तो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1.
अब नेक्स्ट आता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 एंड कॉस 80। अब हमें साइन 80 और कॉस 80 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है। सो यहाँ भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो मेथड है। एक तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह आपका आ जाएगा साइन 80 डीटी। अगर कॉस के लिए करेंगे तो यहाँ कॉस 80 डीटी। तो एक प्रोसीजर तो ये है, इसको आप बाय पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है कि यूज द यूलर्स फॉर्मूला। क्या होता है यूलर्स फॉर्मूला, e रेस टू द पावर आयोटा 80 इज इक्वल टू कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80। ये होता है e रेस टू द पावर आयोटा 80, क्या होता है कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80। आप सभी जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा है e रेस टू द पावर आयोटा थीटा। क्या लिखते हैं अपन इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से हमने e रेस टू द पावर आयोटा 80 के लिए लिख लिया। अब इसका लाप्लास लिया हमने, तो लाप्लास दोनों साइड में लेंगे। लाप्लास ऑफ e रेस टू द पावर आयोटा 80 इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस 80 प्लस आयोटा लाप्लास ऑफ साइन 80। नाउ वी हैव लाप्लास ऑफ e रेस टू द पावर आयोटा 80। अभी हम पढ़ चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है लाप्लास ऑफ e रेस टू द पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस। अभी हमने पढ़ा था, सॉल्व भी किया। इसको अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। लाप्लास ऑफ e रेस टू द पावर आयोटा 80 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन s माइनस आयोटा i, बिकॉज यहाँ पर आयोटा 80 का कोएफिशिएंट है, माइनस हो जाएगा इसमें से। क्लियर? और इसमें हमने क्या करा, इसको रैशनलाइज कर दिया, s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ओके, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा s प्लस आयोटा a अपॉन डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्यों? एस माइनस आयोटा ए एस प्लस आयोटा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अभी हमने इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको इजिली इस फॉर्म में। सो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, अब लाप्लास ऑफ कॉस 80 इज द रियल पार्ट, राइट? इसको हमने कंपेयर किया इससे, इसके इक्वल बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट लाप्लास ऑफ साइन 80, देखो लाप्लास इसके इक्वल है, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो रियल पार्ट को हमने इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट से इक्वल कर दिया। तो लाप्लास ऑफ साइन 80 आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ कॉस 80 आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एस क्या होना चाहिए, एस इज ग्रेटर देन सी। क्लियर? ओके, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में लिख दीजिए।